सलोनी को बचाने का बस एक ही रास्ता है। जी वापस बाहर तो नहीं आ जाएंगे ना? अरे कैसे आएगा, उसके पास रिटर्न टिकट तो है ही नहीं। वो सब छोड़, वो देख एक पिद्दी आ रहा है। चल तुझे मेरा अगला प्लान दिखाता हूँ। और साबुक तू देखते रहना हम इस पिद्दी को कैसे परेशान करते हैं। देख रोहित, ये पानी का पंप है और ये पाइप को जो सिरा है ना वो काले पानी वाली बाल्टी के अंदर है और ये दूसरा सीधा इन दोनों नल को कनेक्टेड है। अब जब वो बच्चा आएगा और ये नल खोलेगा उसमें से काला पानी निकलेगा और कम मुंह काला हो जाएगा। बोल कैसे लगा मेरा प्लान? मस्त, एकदम मस्त। चल जी, अपने अंदर से देखा ना, हमने उस पिद्दी का मुंह कैसे काला किया। पर अब तो हम मस्ती करते तो आप हमारी पिटाई करते ना। क्या हुआ, अब पिटाई नहीं करोगे? नहीं करोगे पिटाई? मोंटू बॉस, ये क्या हो रहा है? लगता है खतरा बढ़ रहा है। पतली गली पकड़ के निकल लो। अरे रोहित, कुछ नहीं होगा, इस बैग की लॉक बहुत मजबूत है। साबुक जी बाहर नहीं आ पाएंगे। और वैसे भी हमने उनकी आजादी छीनी है ना, तो थोड़ा तो उछलेंगे ही ना। चल मोंटू बॉस, ये सूटकेस खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। खुल जाएगा? अरे नहीं खुलेगा। खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। खुल जाएगा? अरे नहीं खुलेगा। खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। खुल जाएगा? अरे नहीं खुलेगा। मुझे बंदी बनाया और बच्चों का मुंह काला किया और माफी मांगते हो? नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। चाबुक जी आप, चाबुक जी हमें माफ कर। एक मिनट, हम आप ऐसा नहीं करेंगे। ये देखिए व्हाइट रुमाल, शांति का प्रतीक। हमें माफ कर दीजिए चाबुक जी, हम आज के बाद किसी बच्चे को परेशान नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए चाबुक जी, चाबुक जी माफ कर दीजिए चाबुक जी। ऐसे नहीं, सबके सामने कसम खानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, सबके सामने कसम खाऊंगा। रोहित जा, जाके ग्राउंड में सब बच्चों को बुला। जा जल्दी। Thank you.
अरे क्या हुआ, पेड़ में क्यों मारा? इडियट, इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? अगर वो शेर तुझे खा जाता तो? खा जाता तो ही अच्छा होता, कम से कम तेरे मुक्के तो नहीं खाने पड़ते। लेकिन सलोनी, तू यहाँ पहुंची कैसे? और ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ नहीं आई, एक बड़ा सा पेड़ मुझे यहाँ खींच के लेकर आया। और ये जंगल बहुत खतरनाक है बल्लू, यहाँ पर तो एक महादानव नाम का राक्षस भी रहता है, वो पृथ्वी की सारी हरियाली खींच रहा है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ। मैं उस बोतल में पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे, सारी हरियाली और सारे जंगल उसमें खींच लेता हूँ। पृथ्वी की सारी हरियाली जब मैं आहुति के रूप में महायज्ञ में डालूंगा तो मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा और मुझे वो मिट्टी की मूर्ति वापस नहीं बनना पड़ेगा। अच्छा, तो उस महादानव के कारण ही पृथ्वी से प्राणवायु कम होती जा रही है। तू सोच क्या रहा है बल्लू? जल्दी से हम यहाँ से निकलते और बालवीर को सब कुछ बता देते। हाँ चल, क्या हुआ, खतरनाक जंगल देखकर डर गया? डर तो लगेगा ही ना, मैं बालवीर थोड़ी ना हूँ। मैं हूँ ना तेरे साथ, अब चल जल्दी ऐसे जाते। चल। अच्छा हुआ मैं सही समय पर सही जगह पहुँच गया, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे कभी पता नहीं चलता क्या फिर वो माया विशक्ति कौन है। अब तो मैं उस महादानव से वो गोला छीनकर उसकी योजना पे पानी फेर के ही रहूंगा। एक बात समझ में नहीं आई, ये मोंटू ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? आखिर करना क्या चाहता है वो? पता नहीं, पर ये जो भी करता है मेरा जी खट्टा हो जाता है। तू चल मेरे साथ, चल सलोनी को ढूंढते हैं ना। अरे दो मिनट रुक तो सही। ये कुर्ता पजामा कहाँ से लाया? पूल का यूनिफॉर्म बेच दिया क्या? मेरे दोस्तों, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो मोंटू बदमाश बच्चा था, शैतान बच्चा था, जो दादागिरी करता था, उसका अंत हो चुका है और अब ये जो मोंटू है, ये सबसे घुल मिलकर रहने वाला मोंटू है, सबसे दोस्ती करने वाला मोंटू है, सबको इज्जत देने वाला मोंटू है। ए मोंटू, फेंकना बंद कर, तू कभी नहीं सुधर सकता। मेरे दोस्त नील, मैं फेंक नहीं रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, मैं आज के बाद किसी से दादागिरी नहीं करूंगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, सबके साथ मिलजुल कर रहूंगा, है ना? अगर तुम्हें झूठ लग रहा है ना तो तुम मेरे दोस्त रोहित से पूछ सकते हो। ये बोल रहा हूं। हाँ हाँ मोंटू बॉस सही कह रहे, अगर तुम सबको ये झूठ लगता है तो तुम मोंटू बॉस पर सड़े हुए टमाटर फेंक कर मार के देखो, मोंटू बॉस जवाब में तुम्हें हाथ जोड़कर थैंक यू कहे। सड़े हुए टमाटर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो सड़ा हुआ तो वो पुराना मोंटू था ना, तो अब वो चला गया है, तो अब टमाटर फेंकने की क्या जरूरत है ना? है ना? ये नाटक करना 100%। मोंटू ऐसा क्या हो गया जो तू इतना बदल गया? वो चाबुक ने मेरी बहुत पिटाई की। मतलब हमें अच्छाई और सच्चाई के चाबुक ने यही सीख दी है कि बुराई का साथ छोड़ना चाहिए और अच्छाई का साथ पकड़ना चाहिए। हाँ। इसीलिए हम दोनों ने बुरे कामों से रिटायरमेंट ले लिए। हाँ। और ये शांति का सफेद रंग पहन लिया। ने मेरे पाँव पे पाँव क्यों मारा? ने मेरे सपने क्यों मारे? ठीक तो? रोहित,
हम लोग ने कितने दिनों बाद ऐसी फाइट देखी है ना। हाँ बॉस, ये फाइट देख के कितना मजा आ रहा है। हाँ बॉस। चाबुक जी आप यहाँ क्यों आए? हमने तो इस बार कुछ किया ही नहीं। देखिए वो तो बच्चे लड़ रहे, आप उनकी जाके पिटाई कीजिए। हाँ चाबुक जी, अब तो हम सुधर भी गए, तो आप हमें क्यों मार रहे हो? उनकी नहीं, मैं तुम्हारी पिटाई करने आया हूँ। अरे चाबुक जी, एटलीस्ट सबके सामने तो मत मारिए, हमारी इज्जत का सवाल है। अब तो हम सुधर भी गए, आप हमें क्यों पीट रहे हो? मुझे सबूत चाहिए कि तुम सच में सुधर गए हो। सबूत हमने व्हाइट पहना है, और व्हाइट तो शांति का कलर है ना। ऐसे नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने आसपास 50 गज में जो भी बुरा काम हो रहा है उसे रोको, तभी मैं मानूंगा कि तुम लोग सच में सुधर गए हो। अगर तुमने नहीं रोका तो बहुत पिटाई होगी। समझ गए रोहित, चल चल के उन दोनों लड़कों को लड़ने से रोक। अरे 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 अरे, लड़ाई झगड़ा मत करो, चाबुक जी को याद करो। चाबुक जी, अच्छाई और सच्चाई का चाबुक, अभी बताया था ना मैंने 2 मिनट पहले। वैसे लड़ाई करना बुरी बात तो नहीं है, मतलब है बुरी बात है ना। हाँ, जाओ यहाँ से, हमें भले ही तुम्हारा फाइटिंग का लाइव टेलीकास्ट देखने में मजा आता, मतलब नहीं आता। अब जाओ यहाँ से, जाओ सब लोग जाओ। हाँ जाओ, चलो जाओ सब लोग जाओ। चाबू जी, आपने देखा हमने उन दोनों की लड़ाई बंद करवा दी। मनीष, तुम क्या कर रहे हैं यार? इनका तो सच में स्क्रू ढीला हो गया है। अरे इनकी खोपड़ी में स्क्रू था ही कहाँ, ढीला होगा। वो देखो, वो दोनों फिर से लड़ रहे हैं। और तुम यहाँ खड़े हो? जा रहे अभी रोकते। लड़ाई झगड़ा बंद करो, लड़ाई झगड़ा तुम लोग कर रहे हो और धुलाई हमारी हो रही है। लेकिन हमने तो तुम्हें कुछ किया ही नहीं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मत करो लड़ाई झगड़ा, जाओ यहाँ से, जाओ। ये तो बहुत सीरियस हो रहा है यार, देख हाथ जोड़ रहा। हाँ यार, इन पे नजर रखनी होगी, पता तो चले कि ये क्या कर रहे हैं। अरे लेकिन हमें सलोनी को ढूंढना है। अरे यार, सलोनी कोई बच्ची नहीं है, आ जाएगी। इन पे नजर रखना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो मेरा जी खट्टा हो जाएगा। प्लीज ना, इन पे नजर रखते हैं। बल्लू, कितना खतरनाक है ना जंगल, तू मेरे पीछे पीछे आ, डर मत। मैं कहाँ डर रहा हूँ, और मुझे डरने की भी जरूरत नहीं है। तू जो है, अगर कोई शेर आ गया ना वापस, तो तू उससे लड़ लेना। तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, डर की वजह से तेरा दिल जो जोर से धड़क रहा है ना, मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। लीजिए, ये मेरा दिल नहीं, कोई तो मंत्र पढ़ रहा है यहाँ पर। लेकिन ऐसे जंगल में कौन मंत्र पढ़ेगा? चल वहां जाकर देखते हैं। हरितम वृक्षम शोषयते, हरितम वृक्षम शोषयते, पृथ्वी मरुभूमि बनायन्ते, पृथ्वी मरुभूमि बनायन्ते, प्राणवायु सकलः समाप्तम्, प्राणवायु सकलः समाप्तम्, जीवन सृष्टि विनाश्यते। यही हूँ महादानव, जिसने मुझे पिंजरे में कैद कर लिया था। अरे क्या रहा है? लगता है उसने महायज्ञ शुरू कर दिया है, जो उसे किसी भी हाल में रुकना ही होगा। रुक,
तू रोकेगा उसे तेरी साइज से और उसकी साइज से? तू बालवीर थोड़ी ना है। लेकिन सलोनी, बालवीर कहता है ना कि हर बच्चे में एक बालवीर होता है, तो आज उसी बालवीर की मदद से मैं उसे रोकूंगा। लेकिन कुछ नहीं सलोनी, मुझे उसे किसी भी हाल में रोकना ही होगा। अगर उसने महायज्ञ पूरा कर लिया तो पृथ्वी लोक से सारी हरियाली सूख जाएगी, फिर जीवन समाप्त हो जाएगा। तू ठीक कह रहा है बल्लू, मैं अभी जाके उसे सजा करती हूँ। हमें सबसे पहले उससे वो शीशी लेनी होगी जिसमें उसने सारी हरियाली को कैद किया है। शीशे में ही उसने पृथ्वीलोक की सारी हरियाली कैद की है, हमें किसी भी तरह उससे वो शीशे छीननी ही होगी। लेकिन कैसे? सुनो, पागल है तू, इसमें तेरी जान को खतरा है। और उठाना भी पड़ेगा सलोनी, क्योंकि करोड़ों लोगों के जीवन का सवाल है। बल्लू, तू जैसा कहता है मैं वैसी करूंगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.